बुलेटीन मध्ये स्वागत नेटवर्क ला दिलेल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी राम मंदिराच्या मोठं भाष्य केलंय भाजप रामाच्या नावावर मत मागत असल्याचा आरोप त्यांनी खोडून काढलाय अयोध्येत श्रीरामाचं भव्य मंदिर बांधण्याकरता आम्ही मतं मागत होतो मात्र मंदिर बांधून आम्ही तो मुद्दाच संपुष्टात आणल्याचं अमित शहा म्हणाले विरोधकांनी श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठेवर बहिष्कार टाकला प्राणप्रतिष्ठेला विरोधक आले नाहीत त्यामुळे देशातली जनता त्यांच्यावर संतापलेली आहे चिंतित विरोध भाजपा आरोप करते हैं शाह मनाल अमित जी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई ये आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं देखिए राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे हमने तो वोट लेने का कारण ही समाप्त कर दिया ओपोजिशन को चिंता इसलिए है और पूरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना शांतिपूर्वक तरीके से बना संवैधानिक रूप से बना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया माइनॉरिटी के डर से वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए इसलिए पूरा देश उनसे नाराज है हमने कभी ये नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें वोट दीजिए मगर पूरे देश की जनता जानती है सत्तर साल से लोगों ये लोग अटका कर रखे थे मोदी जी ने पांच ही साल में केस भी जीता भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और आज भव्य राम मंदिर समग्र देश को आलादित करने वाला राम मंदिर है